हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, खेल और खिलाड़ी के डिस्कशन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स का व्यू पॉइंट लें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्रिकेट के कोचेस और स्पोर्ट्स के अलग अलग कोचेस से उनका ओपिनियन लेंगे। इसी को शुरू करते हुए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक दिल्ली के दिग्गज कोच और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, टीवी सुब्रमण्यम सर, जिनको प्यार से मनी सर भी कहा जाता है। वेलकम टू द शो सर। सुब्रमण्यम सर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम सर बहुत ही सीनियर कोच हैं। ये पेलिकन्स क्रिकेट क्लब के पिछले 43 वर्षों से ऑनरेरी सेक्रेटरी और कोच रह चुके हैं। ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पे इन्होंने कई स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्पोर्ट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं। ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी काफ़ी अरसों से जुड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने एज अ चेयरमैन एंड एज अ मेंबर काफ़ी तरह से सर्व किया है। मणि सुब्रमण्यम सर अपनी ओपिनियन बेबाक देते हैं। ये दूरदर्शन के अंदर भी एज अ कॉमेंटेटर सर्व कर चुके हैं और काफ़ी टीवी शोज और क्रिकेट शोज के अंदर आ चुके हैं। आज हम मणि सर के साथ डिस्कस करेंगे दिल्ली क्रिकेट इकोसिस्टम और एक ऐसा डिस्कशन जिससे आने वाले प्लेयर्स को काफी फायदा मिलेगा और हम उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप 43 वर्षों से गेम को सर्व कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको बार बार ड्राइव करती है गेम को कंटिन्यूअसली सर्व करने के लिए फॉर पास्ट 43 ईयर्स? क्रिकेट हमारे मेन इंडिया में तो राइट फ्रॉम ओल्डन टाइम्स क्रिकेट हैज बीन अ पैशन और आई एम नो एक्सेप्शन। तो गेम हम भी खेलते थे, तो मे बी एट सम स्टेज कुड नॉट मेक इट आउट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस आई कुड से दैट, सो दैट पैशन वॉज देयर। तो गेम में फिर इन्वॉल्वमेंट था, तो क्लब जब हम शुरू में ये जो पेलिकन क्लब फॉर्म हुआ था तो फ्रेंड्स, बट वी यूज टू प्ले द गेम सीरियसली एंड देन वी गॉट एफिलेटेड विद द एसोसिएशन। देन द ऑब्जेक्ट वॉज टू नो एनकरेज यंगस्टर्स वॉट वी कुड नॉट परहैप्स डू इन आर लाइव्स, एटलीस्ट ट्राई टू हेल्प दोज यंगस्टर्स इन दैट एस्पेक्ट। यही है और अभी भी वही पैशन है। तो क्लब क्रिकेट के साथ जुड़ने के बाद तो ऑब्वियसली डिस्पाइट गेटिंग ऑन इन ईयर्स द पैशन इज देयर, Perhaps the capacity may not be there to that level. जी, तो देखिए दोस्तों, मनी सर ने कितनी अच्छी बात करी कि मेन जो इनका पैशन ही इनको ड्राइव करता है, और ये बहुत बड़ी सीख है प्लेयर्स के लिए। ये 43 वर्षों से गेम को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने सारे सीजन देखे हैं। सर, उसी को चलते हुए लेते हुए मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, पास्ट में और अभी कोचिंग के अंदर ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो टाइम के साथ या तो फेड आउट हो गई हैं, या आप चाहेंगे कि वो कंटिन्यू हो क्रिकेट कोचिंग के अंदर? देखिए, अगर इफ यू लुक एट द ओल्डन टाइम्स, यू नो दिल्ली के जो व्हेन दिल्ली वाज इट डूइंग वेरी वेल इन द लोकल सर्क्यूट, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द रणजी सर्क्यूट और इवन इन द अंडर रिंग, यस डेफिनेटली क्या हुआ है कि अदर स्टेट से इम्प्रूव। वी कैन नॉट से कि भाई हम वही वी कैन दिल्ली हैज टू बी, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन बॉम्बे वाज Top in all the things. Then there were changes. Teams like Delhi, Karnataka, other states came into being. The issue now is Delhi may, although the present management is doing its bit, at least a important aspect ये हो गया है कि दिल्ली के जो juniors cricket के लिए under 16, under 19 or even challenger trophy based on performance are coming through. एंड विच विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऑब्वियसली आप खाली एक ट्रायल कर दीजिए और 4 दिन का ट्रायल करके आपने वो क्या कहते हैं टीम बनाना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप कितने भी बड़ा प्लेयर भी ले आए, वो भी 4 दिन में क्या कर सकते हैं, ही क्या। एटलीस्ट नाउ इवन दिस ईयर, आई मीन ओनली यस्टरडे वी हैव गॉट अ नोटिस, द क्लब्स हैव गॉट अ नोटिस दैट ईच क्लब विल सेंड कैन सेंड 15 नेम्स फॉर द अंडर 16 एंड अंडर 19, विच मीन्स दिस इंटर क्लब मैचेस होने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली उसमें अगर बच्चे परफॉर्म करेंगे दे विल कम इन टू नोटिस, दे मे नॉट बी कमिंग इन टू नोटिस अगर आपने जैसे एक ओपन ट्रायल कर दिया, नहीं होगा। बट एटलीस्ट यहां से अगर आपने मैचेस हो रहे हैं
इस मैचेस से अगर होके सम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड आई थिंक इफ एनीवन एनी क्रिकेटर हु इज इन द सिलेक्शन कमिटी ऑब्वियसली विल हैव अ लुक एंड ही विल बी लुकिंग एट सम फिल्टर्ड कंटेंट विच देयर इज अ चांस द सिचुएशन विल इंप्रूव आई गिव क्रेडिट टू द प्रेजेंट मैनेजमेंट दैट दे हैव डन दिस एफर्ट कि एटलीस्ट 16-19 का मैचेस हो रहे हैं और आई थिंक चैलेंजर आई थिंक इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन आई थिंक परफॉर्मेंसेस इन दी ये JDDCA का जो 40 ओवर का लीग है. अनदर गुड थिंग विच इज हैपेंड इज T20 का इंपॉर्टेंस दिया है विच अप टू नाउ वी हैव नॉट गिवन. अदर स्टेट्स आर हैविंग अ T20 लीग ऑल्सो फ्रेंचाइज बेस्ड लीग अभी यहां स्टार्ट नहीं हुआ बट कम से कम क्लब बेस्ड T20 लीग होगा कम से कम दिल्ली के T20 के लिए टीम तो बन सकता है. एंड इवन इफ द फ्रेंचाइजेस आर वॉचिंग यू कैन सी अब आप देखेंगे एटलीस्ट T20 के परफॉर्मेंसेस में दे मे बी सम आउटस्टैंडिंग टैलेंट एमर्जिंग. मेरा अपना फीलिंग है द बेस्ट थिंग इज नाउ इन दिस सिस्टम वी हैव व्हाट 9 मैचेस इन द 40 ओवर फॉर्मेट एंड 9 मैचेस इन द T20 फॉर्मेट विच इज व्हाट 9 डेज एंड T20 हाफ अ डे समझ लो आप. So we are having what 13 and a half days. Right, playing days. I would like it that we should have 5 matches of 2 day, 10 days, 5 matches of 1 day, another 5 days, 15, and 5 matches of T20, 17 and a half days. So, in that effect, I think every club will then have a chance to project their players in different formats. You can have teams for different formats also. Right. Which would be the best. And division bahut lamba nahi hona chahiye. Just 2 divisions. Right. Just 2 divisions. So that ab nahi to kya hota tha yaar niche wala division mein run kar raha nahi. 2 division mein agar club cricket institution should be separated. Because they are recruited players. Some institutions may not be doing, they have to do it. Otherwise, there is no point in the state giving affiliation to, the association giving affiliation to any institution if they are not recruiting players. They have to at least scholarship to do something. So, I think that my personal thing is this is good step forward. Next stage should be to give 2-day cricket. At least 2-day rakho. 2-day khelne se kam se kam the boy उस 2-day के लिए देन यू हैव द सिलेक्शन कमिटी 2-day के हिसाब से अच्छा इतने बच्चे आ रहे हैं यार 1-day के हिसाब से इतने आ रहे हैं T20 के हिसाब से इतने इट बिकम दैट मच इजियर फॉर द सिलेक्टर्स. अब 15 दिन में अगर आपने कर दिया दे कांट डू वंडर्स कितने भी बड़ा. अब आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन टू दिल्ली कैपिटल्स यू हैव रिकी पॉन्टिंग सपोजिटली वन ऑफ द बेस्ट कोचेस एंड ऑल्सो सौरव गांगुली but the team is losing, right? Isn't it? So aapko, the coach cannot do anything unless you have proper data, right? Isn't it? So I ye cheez hona chahiye. At least this management is doing that. At least they're trying striving to give cricket and even women's cricket that they're planning to do because of Indian and if you look at the cricket the board has done a wonderful thing. Payments are equal. Which should be. Right. क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट मेरा अपना फीलिंग है कि अगर वुमेन क्रिकेट इज डेवलप्ड इन इंडिया विद इन 10 ईयर्स वी विल विन समथिंग बिग. जी सर इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब जो नए जनरेशन के कोचेज आ रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मतलब उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जो नई गेम है उसकी तरफ. You have to identify players for different formats. A player who is playing good cricket in days cricket may not necessarily be so good in 40 overs or I mean one day cricket or T20. So uska hi hai, he has to project the boy up seeing the talent in. I don't think it's very tough to play all 3 formats. It's very tough. Any child to play all 3 formats is it's not going to be that easy.
So that thing, that is the duty of the coach. Modern day cricket is very challenging. So coach has to adapt himself. और अब तो coaches का काफी आ रहा है, you are having NCA level 1, 2, 3 और ICC का भी है. So it is a big challenge. आपने 43 वर्षों तक प्लेयर देखे हैं, बनाए हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करा है दिल्ली क्रिकेट में. सर आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली से अगला सचिन तेंदुलकर या अगला सुनील गावस्कर बन सकता है या कैसे बनाया जा सकता है इतना बड़ा प्लेयर? इतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं बना सकता. इट इज अ नेचुरल टैलेंट. आई मीन तेंदुलकर मस्ट हैव हैड सम ग्रेट टैलेंट. अचरेकर सर ने उस टैलेंट को पकड़ा एंड ही प्रोजेक्टेड. बिकॉज आई कैन गिव अ स्मॉल स्टोरी ऑफ तेंदुलकर. अचरेकर सर का सेसनेंस क्लब बॉम्बे, दिस वॉज टोल्ड टू मी बाय वन क्रिकेटर. तो सेसनेंस क्लब वॉज प्लेइंग इन अ टूर्नामेंट. तेंदुलकर वॉज वॉट 12 ईयर्स ओल्ड एंड इन्होंने बोला दिस बॉय शुड प्ले इन ऑल द मैचेस ओपन. उसका टेक्निक तो अच्छा था, आउट नहीं होते थे, बट लिमिटेड ओवर में प्रॉब्लम था. तो फाइनल में व्हाट हैपेंड वाज द टीम वाज चेजिंग 260 और 270. तो कप्तान वाज ओपनिंग, कैप्टन वाज ओपनिंग. उसने क्या करी तेंदुलकर को फर्स्ट ओवर में कम करके रन आउट कर दिया एंड ही गॉट 100. दे वन द मैच, वन द टूर्नामेंट. ही वेंट विद द ट्रॉफी टू अचरेकर सर. अचरेकर सर जस्ट स्कोल्डेड हिम, तुमने बच्चे को जान के रन आउट कर दिया. He was not interested his team winning the final. He said, यार इस बच्चे को तुमने क्यों आउट किया? So, exceptional talent comes. Nobody makes an exceptional talent. He comes. The job of the coach, the great coach will spot that talent. And will develop that. That is what is, I think, would have happened to all these great players. Lara, Tendulkar, Virat Kohli, any one of them. So nobody produces. You cannot say ki aap produce. Wo aayega, that child has to be encouraged. First by the coach, then by the association. Right. That is very important. आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आजकल के बच्चे हैं, youngsters, aspiring cricketers, उनको गेम की तरफ क्या, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए क्रिकेट से? देखो, क्रिकेट इज अ टीम गेम. इंडिया इज अ ह्यूज नेशन. नाउ I think statistically, if you see, India की जो population है must be more than all the other playing nations. So it is that much tougher to play for India. New Zealand में तो easy है. The country is small. Total population is what, 50 lakhs? Yes. तो 50 lakh में और क्या, यहाँ की क्या population है India की? 130 crores में एक टीम में आना और 50 lakhs में आना, विच इज टफर. इंग्लैंड आई थिंक इज स्मॉलर देन केरला. सो इंडिया में इट्स नॉट इजी. टीम गेम में आई वुड से यू हैव टू प्ले द गेम. Play positively, but at the same time, don't sacrifice your education. Go side by side. If you are lucky, if you are outstanding, because 130 crore, it is 130 crores. New Zealand 50 lakhs. Easier to play in New Zealand than in India. They say even that New Zealand opener hai, kya naam hai? Conway. He had practically quit cricket when he went to New Zealand. Today what? He's a star. So for India, you can't afford to lose your education. You have to study along with it, balance your sport and education. तो सर अब इसके साथ में अपने जो लास्ट थ्री क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलूंगा. सर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्रास रूट क्रिकेट के अंदर आप क्या चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं आने वाले समय के अंदर? पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा देखो. इम्प्रूवमेंट तो एक्चुअली क्या है ना,
particularly if you look at in a place like Delhi, the association needs to tie up with perhaps the DDA, which has got so many stadium. Clubs ka practice facility is a tough thing. It's not easily available. No, every club cannot take a piece of land on lease and do it. The association should have a tie-up with the DDA and ensure that all the clubs, unke area, jahan bhi area hai, they are given practice facility. Matlab their practice facility is available to them at some cost. It can't be free, obviously. So that at least वो नेट का जो चलने का जो प्रोसेस है इज अवेलेबल विच इज नॉट टूडे इट्स बिकम वेरी टफ आई वॉज रीडिंग yesterday दैट सोनट क्लब जो वेंकटेश्वरा कॉलेज में था उसका खत्म हो गया they will have to go somewhere. So it's not easy. So I think the association should tie up with DDA and others so that the clubs get some facility to conduct their nets. मतलब किसी तरह का उसे स्पॉन्सरशिप मिले नहीं कम से कम टाइप हो ना DDA से टाइप हो हाँ जी ये क्लब है सपोज यू हैव ए DDA कॉम्प्लेक्स हियर इन द्वारका राइट एटलीस्ट द एफिलिएटेड क्लब सिचुएटेड देयर शुड हैव सम फैसिलिटी शुड हैव सम एक्सेस टू दैट कॉम्प्लेक्स बाय पेइंग लेट इट बी उसको मिलना चाहिए वो फैसिलिटी तो एनेबलर होना चाहिए जी. तो सर इसी के साथ मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो अब हम ये तो हमने इकोसिस्टम की बात करी अब हम बात करना चाह रहे हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स काफी हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं और आपने इतना क्लोजली डीपली ऑब्जर्व किया है गेम को तो काफी सारे वायबिलिटी गैप्स हैं जो कवर करने की बहुत जरूरत है तो उस पर सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे वो वायबिलिटी गैप्स को कैसे कवर करा जाए अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके लिए देखिए If you look at in Delhi, grassroots level cricket is not sponsored. There should be sponsorship of the clubs by an institution. हाँ, it should be a two-way process. कि भी आपने हम आपको 3 साल कर रहे हैं. What are you going to do in return for the game? Then only clubs will also wake up. They have to do work. खाली sponsorship expect करें और no. It should be two. If the organization is sponsoring it for 3 years, in return, you should deliver the goods. Strive to produce players. I won't say produce. Strive to produce and promote the game. तो देखिए दोस्तों मनी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं स्पेशली वायबिलिटी गैप्स को कवर करने के लिए उन्होंने बोला एक परफॉर्मेंस लिंक्ड स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए जिसमें क्लब्स भी मोटिवेट होंगे परफॉर्म करने के लिए और उसके साथ एसोसिएशन को DDA के साथ टाइप करके कुछ ऐसे एनेबलर्स क्रिएट करने चाहिए जिससे क्लब्स को जो जो दिक्कतें या एंट्री लेवल बैरियर्स हैं वो उनके थोड़े कम हो सकें और सारे क्लब्स एक समान स्तर पर आके अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर सकें दिल्ली क्रिकेट के अंदर. सर इसके साथ ही मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा और हम रैपअप करेंगे. सर आपके हिसाब से जो क्रिकेट का फ्यूचर है क्रिकेट बदलता रहता है आप क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं क्या वो एक लॉन्ग फॉर्मेट है जो प्योरिस्ट चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को बहुत बढ़ोतरी मिलनी चाहिए एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि नहीं अलग अलग तरह के शॉर्टर फॉर्मेट्स आने चाहिए और छोटे छोटे फॉर्मेट्स आने चाहिए आप कैसे देखते हैं अगले 20-30 साल में क्रिकेट को बदलते हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिस्ट का क्या डेफिनेशन है जी आई एम जस्ट व्हाट डू यू मीन बाय अ प्योरिस्ट जो लॉन्ग फॉर्मेट को पसंद करता है. Times have changed. Olden times, 5 days, game chal raha tha. Obviously, it has not been very, it has not been popular in many countries. Ultimately, shorter format is coming into, now cricket is, how many countries are playing it? 10, 12, 14? Right. Then it's not a world sport. If for it to become a world sport, it has to attract more countries. And if you look at it, countries are playing those games
विच आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन. फुटबॉल कितने मिनट का है? 90 मिनट्स. राइट. टेबल टेनिस 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, प्लेड बाय 200 कंट्रीज. टेनिस में टेक अ लिटिल लॉन्ग. टेनिस मैच समटाइम्स टेक्स 3 आवर्स. सो आई थिंक एनी स्पोर्ट टू बी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड हैज टू बी शॉर्टर. देन ओनली इट विल अट्रैक्ट मोर कंट्रीज. क्रिकेट इज नॉट अट्रैक्टिंग मोर कंट्रीज बिकॉज इट इज टू लॉन्ग. आई स्टिल फील ये 20 ओवर गेम मे अट्रैक्ट मे एटलीस्ट कंट्रीज लाइक यू नो जर्मनी, हॉलैंड, स्पोर्टिंग कंट्रीज, USA. जी अल्टीमेटली शॉर्टर गेम होगा तभी इट विल बिकम ए यूनिवर्सल स्पोर्ट. जी इट इज माई फीलिंग. तो दोस्तों देखिए मनी सर ने इस बात का कितनी बेहतरी से जवाब दिया. उन्होंने बहुत ही सॉलिड आर्गुमेंट रखा है कि जो भी वर्ल्ड में फेमस स्पोर्ट्स हैं चाहे वो टेबल टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया और भी स्पोर्ट्स, वो सब एक शॉर्टर फॉर्मेट स्पोर्ट्स हैं. और क्रिकेट जो अभी 10 या 12 देशों में खेला जाता है अगर उसको पॉपुलराइज करना है तो ये शॉर्टर फॉर्मेट्स को आगे लाना चाहिए. आई थिंक ICC भी इससे एग्री करता है और बहुत सारे नेशंस को T20 नेशंस का एक खिताब अभी दिया गया है. तो मैं इसी के साथ इस इंटरव्यू की समाप्ति करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा मनी सुब्रमण्यम सर का. उन्होंने इतनी खूबसूरती से इतने मुश्किल सवालों का जवाब दिया और उस पर रोशनी डाली. मैं मानता हूँ कि इस एपिसोड से बहुत लोगों को क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, स्पेशली जो अलग अलग इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कोचेज हैं. और इसी तरह दोस्तों हम आपको नई नई शख्सियत और नए नए खिलाड़ियों से मिलवाते रहेंगे. देखते रहिए खेलो खिलाड़ी सीजन 3. मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा फ्रॉम रेडियो द्वारका. धन्यवाद.